नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के सेंटर पे खड़ा हूँ और यहाँ पर मैंने कई बच्चों से बात की और पेपर भी देखे। पेपर देख के जो मुझे अंदाज़ा लगा कि इस बार जो पेपर है वो थोड़ा सा लीक से हटकर था। सामान्यतः यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है वो फैक्चुअल बेस ज़्यादा होता है, अर्थात वहाँ पर फैक्ट अधिक होते हैं, लेकिन इस बार जो है वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े कम थे। और अगर 2018, 19 और 20 की तुलना की जाए तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार जो पेपर है वो काफ़ी टफ था और इसका स्टैंडर्ड यूपीएससी से थोड़ा सा ही कम था। सामान्यतया मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो ये पेपर आया हुआ है, ये पेपर अपने आप में यूपी पीसीएस के इतिहास में सबसे टफ पेपर में से एक माना जाएगा। अब आप जान रहे हैं कि पेपर काफ़ी टफ है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर कम थे यहाँ पर, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम थे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो पेपर यहाँ पर आप देख रहे हैं वो पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चंस जो पूछने के तरीके थे वहाँ पर, जो सामान्य आपकी जीके आती थी वो भी करंट अफेयर से जुड़ी हुई पूछी गई, और अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर्स की तो उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी बेहतर थी, बहुत ही करंट अफेयर्स हुए थे। मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आए थे, इन्वायरमेंटल से भी क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। हिस्ट्री सामान्य से एकदम हटकर थी यहाँ पर, फैक्चुअल बेस्ड हिस्ट्री जो है वो बहुत कम यहाँ पर पूछी गई थी। स्टेटमेंट बेस्ड हिस्ट्री पूछी गई थी, ये स्टेटमेंट किसने कहा है। पॉलिटी जो यहाँ पर था वो काफ़ी आसान था, काफ़ी मतलब एक दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन आपके संविधान से जुड़े हुए ही पूछे गए तो वो आसान थे। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस के क्वेश्चन, तो साइंस के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर दिए गए थे, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन थे साइंस के, लेकिन करंट अफेयर्स पे यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। अब अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ की बात अगर यहाँ पर की जाए तो 2020 का कट ऑफ यहाँ पर आयोग ने नहीं निकाला था, इसलिए कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगा है कि पिछला कट ऑफ कितना गया था, लेकिन फिर भी जो अनुमान लगाया जा रहा था वो 82-83 क्वेश्चन जिनके सही रहे होंगे वो कट ऑफ क्लियर कर गए थे, उन्होंने मेंस लिखा है। लेकिन इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न बनता है। तो जैसा कि पेपर यहाँ पर आया है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कट ऑफ जो है वो जनरल कट ऑफ जो है वो सामान्यतया 75 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन के बीच में रहेगा, मतलब कट ऑफ 50% के आसपास रहने का मेरा अनुमान है। 50-55% मैक्सिमम यहाँ पर जो कट ऑफ है वो रहेगा, इससे अधिक कट ऑफ यहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड पेपर का बहुत बेहतर कर दिया गया है। तो कट ऑफ के बारे में मेरा यही अनुमान है कि 50-55% जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रहने वाला है, और इस कट ऑफ में अगर आपने अपने क्वेश्चन सही कर दिए हैं 50-55% के बीच में तो आप मेंस की तैयारी करनी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस जो है वो आपका निकल जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि मेरा क्या अनुमान है यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो देखते हैं पेपर क्या आता है, उसके आंसर की भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, आप लोग को वीडियो बना के डाल दूँगा, आप अपने आंसर वहाँ पे मैच कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में अभी काफ़ी रिसर्च करना बचा हुआ है, वो रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको वहाँ पर आंसर दूँगा कि आखिर आंसर क्या आएगा। क्योंकि तो हमारा जानते हैं बेसिस की पाठशाला का यह नियम रहा है कि जो आंसर देते हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक रहते हैं, बहुत ही बेहतर आंसर देते हैं। आपने हमारा UP-SSC पैट का कट ऑफ देखा भी रहा होगा और आंसर की वहाँ देखी होगी कि आयोग से एकदम 100% हमारी आंसर की मैच कर गई थी, जो हमारा ए और बी सेक्शन था वहाँ पर आपने इसको देखा होगा, इसलिए इसका कट ऑफ भी जो मैं आपको बता रहा हूँ 50-55%, अर्थात इतना अगर आपका सही है तो आपका कट ऑफ यहाँ पर निकल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब बात करेंगे जब हमारा GS का 2 पेपर हो जाएगा तब बात करते हैं आखिर उसका स्टैंडर्ड कैसा रहा है और क्या, लेकिन वहाँ पे क्वालिफिकेशन है इसलिए कोई खास वहाँ टेंशन होना नहीं चाहिए आप लोगों को। चलिए मिलते हैं अपने सेकंड पेपर के बाद कि आखिर उसका स्टैंडर्ड क्या था, उसके विषय में वहाँ पर बात करेंगे।